लवली पीपल्स, इट्स ममता हियर एंड वेलकम बैक टू द फ्रेश वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल मेट फॉर ममता। सो गाइस, आज के वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट अ हेयर पैक व्हिच विल हेल्प यू टू ग्रो योर हेयर्स। और ये वाला हेयर पैक आपके हेयर फॉल को कम करेगा और अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गया है तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और हेल्दी हेयर्स को प्रमोट करेगा। और क्या होता है ना कि जो बाल होते हैं वो टाइम से पहले ही व्हाइट होने लग जाते हैं, जिसको प्री मेच्योर व्हाइट हेयर्स कहते हैं, वो भी धीरे धीरे अगर आप इस पैक को यूज करोगे तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। सो गाइस, बेसिकली दिस हेयर पैक सॉल्व्स अ लॉट्स ऑफ हेयर प्रॉब्लम्स। सो अब इस हेयर पैक को जानना तो बनता ही है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, I am talking about the products of brand Stamio. Ultimate combo of these 5 amazing herbs. ये किट में आपको Stamio brand के 5 most effective herbs मिलेंगे for the hairs, including amla powder, shikakai powder, bringraj powder, hibiscus powder and rita powder. Forget all the harsh treatment on hairs and start using the natural way of caring the hair that they deserve. और ये जो 5 combination of herbs है ना, it's just a magic on the hairs. And it makes an excellent source of many antioxidants which nourish the hairs. This hair pack helps in preventing premature graying of hairs, stop hair loss, can promote healthy hair growth, reduce dandruff and solve such many hair problems. So guys, let me show you how to make a hair pack for combining all these 5 herbs. And I will also tell you about their benefit, जिससे you all know that how much these herbs beneficial for your hairs. सो हेयर पैक बनाने के लिए आपको आयरन की पैन की जरूरत होगी, विच इज ऑल्सो नोन एज अ लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास आयरन की पैन नहीं है तो आप कोई सा भी आयरन के बर्तन में इस हेयर पैक को बना सकते हो। और अगर आपके पास कोई सा भी आयरन का यूटेंसिल नहीं है सो डोंट वरी, आप कोई से भी प्लास्टिक के बाउल में इस हेयर पैक को बना सकते हो। सो फर्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है विच इज प्योर एंड नेचुरल आंवला पाउडर। आंवला ऑल्सो नोन एज अ इंडियन गूसबेरी इज वेल नोन फॉर इट्स मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स। It is loaded with antioxidants which can protect hair cells from any kind of damage and also repair damaged hairs और healthy hairs के cells को promote करता है जिससे hair growth होती है। So आपको pan में 2 tablespoon amla powder के डालने हैं। And guys look at this powder texture, this is so pure and natural. And जो हमारा second ingredient है which is Rita powder. Rita is loaded with iron which works well for the hair. And iron plays an important role in maintaining hair health. और जो hair growth को promote होने के लिए necessary antioxidants लगते हैं उसको भी provide करवाता है। आपको रीठा powder को भी 2 tablespoon equal amount में pan में डालना है। और जो हमारा third ingredient है which is a pure and natural shikakai powder. Shikakai powder is the perfect element which helps your hair in absorbing the goodness of amla and rita. It will also provide other benefits as well. और आपको इसको भी इक्वली अमाउंट में 2 tablespoon पैन में डालना है। और जो हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है विच इज अ प्योर एंड नेचुरल भृंगराज पाउडर। भृंगराज हर्ब इज वेल नोन फॉर देयर इमेंस बेनिफिट फॉर द हेयर्स। भृंगराज इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड विटामिन ई एंड डी। इट प्रमोट हेयर ग्रोथ बाय इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन। और भृंगराज पाउडर को भी आपको 2 tablespoon पैन में डालना है। सो हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है विच इज अ प्योर एंड नेचुरल हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर इज वन ऑफ द मोस्ट रेनोम्ड हर्ब फॉर प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ। इट स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ, कंडीशनर द हेयर्स, प्रिवेंट बॉल्डनेस, रिड्यूस डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प, प्रिवेंट प्रीमेच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर एंड मैनी मोर सच थिंग। सो ये सारे ही इंग्रेडिएंट को आपको इस आयरन की पैन में डालना है। सो मैंने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली ये सारे हर्ब्स को 2 टेबलस्पून लिया है। आप अपने बालों के अकॉर्डिंगली 1 या 2 चम्मच भी इसमें डाल सकते हो। देन यू हैव टू प्रिपेयर अ वाटर जिससे आप इस सारे इंग्रेडिएंट को मिलाओगे। आप नॉर्मल प्लेन वाटर भी ले सकते हो इस सारे इंग्रेडिएंट को मिलाने के लिए, पर जो मैं बता रही हूँ आप उसको भी ट्राई कर सकते हो फॉर अ बेस्ट रिजल्ट्स। सो आपको क्या करना है, आपको एक पैन लेना है, उसमें आपको 2 कप ऑफ वाटर डालना है, 1 से 1.5 चम्मच टी के डालने हैं, जो आप नॉर्मली चाय बनाने के लिए चाय पत्ती यूज करते हो आपको उसको उसमें डालना है, और 2 से 4 क्लोव्स की डालनी है, मतलब की जो लॉन्ग होती है ना उसको इसमें डालना है। और इसका 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। जब ये बॉयल हो जाए फिर इसको निकाल लेना है। व्हेन इट कूल डाउन सीव आउट वाटर एंड यूज इट टू सोक हेयर पैक। और जो हमने इसमें टी और क्लोव्स डाला है ना, इट प्रोवाइड अ डार्क कलर एंड ऑल्सो मेक द कलर स्टे लॉन्ग। तो ये वाटर को आपको धीरे धीरे इसमें डालना है और अच्छे से मिलाना है ताकि ये अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाए। जैसे मैं करके दिखा रही हूँ आपको सिंपली बस वैसे ही करना है।
सो अगर आप ये हेयर पैक बना रहे हो तो आप प्लेन वाटर का भी यूज कर सकते हो, वरना ये जो मैंने वाटर बनाना बताया है इसको भी डाल सकते हो। और अगर आपको इस हेयर पैक को समर्स में लगाना है तो आप दही भी डाल सकते हो। एंड लास्टली वी एडेड 1 स्पून ऑफ लेमन जूस इनटू इन दिस। सो लेमन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, सो अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो ये उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। एंड मिक्स वेल अंटिल इट बिकम अ थिक पेस्ट, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ आपको सिंपली वैसे ही करना है। एंड लेट द मिक्सचर रेस्ट इन द कंटेनर ओवर नाइट। एंड नेक्स्ट अपने क्लीन बालों पे इसको अच्छे से लगाना है, स्पेशली रूट पे लगाना है। एंड लीव इट फॉर 30 मिनट्स, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ सकते हो। एंड आफ्टर दैट अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है विद अ प्लेन सिंपल वाटर। एंड पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, जब भी आप इस हेयर पैक को निकालोगे वॉश करोगे तो सिंपल प्लेन वाटर का ही यूज करना, कोई भी शैम्पू एंड कंडीशनर नहीं लगाना है। ड्राई होने के बाद अपने बालों को अच्छे से आपको ऑयलिंग करनी है, आप कोई सा भी हेयर ऑयल यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट स्टेप अपने बालों को शैम्पू कंडीशनर के थ्रू वॉश कर सकते हो। सो गाइस, आप अपने हेयर से कोई सा भी हेयर ऑयल और शैम्पू यूज कर सकते हो, बट मैं अपने तरफ से एक सजेशन ये दूंगी कि आप सेम ब्रांड स्टैमियो का आंवला प्रिंगराज विद बादाम रोगन हेयर ऑयल को यूज करो विद अ शैम्पू। उसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो और रिव्यू दिया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करना, आपको वहां से वीडियो मिल जाएगी तो आप वहां से देख सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, दिस ऑयल एंड शैम्पू जस्ट वंडर फॉर माय हेयर। इसने काफी हद तक मेरे हेयर फॉल्स को कम किया है और हेयर लेंथ को भी इंक्रीज किया है। एंड आई जस्ट लव देयर इंटायर हेयर केयर रेंज इंक्लूडिंग दिस हर्ब्स ऑल्सो। सो स्टैमियो ब्रांड के सारे ही प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री होते हैं, प्योर एंड नेचुरल होते हैं, इनमें कोई भी टाइप का फ्रेग्रेंस और कलर इंक्लूडेड नहीं होता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सबके सारे कंटेनर में 50 ग्राम ईच प्रोडक्ट मिलेगा, लाइक इसमें 50 ग्राम ईच प्रोडक्ट है और इन सब में 50 ग्राम ईच प्रोडक्ट है, विच इज अ स्टील अडील। और इस हेयर पैक को बोथ मैन एंड वुमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं। सो गाइज, आप हिबिस्कस पाउडर को अपने हेयर्स पे तो यूज कर ही सकते हो, बट एज वेल एज आप अपने फेस पे भी यूज कर सकते हो। सो हिबिस्कस पाउडर का फेस पैक बना के अपने फेस पे अच्छे से लगा सकते हो, सो इसके भी काफी अच्छे बेनिफिट है ऑन अ फेस टू। सो इस कॉम्बो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस टुडेज़ वीडियो गाइज, एंड आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इट्स अ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एंड चेक आउट माई ऑल ऑफ द वीडियोज, एंड इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो यू विल नेवर मिस एन अपडेट। इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोज फॉर यू ऑल। सो टिल देन आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।